नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुमित कटियार, जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि जागरण फार्मर द जर्नलिस्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बम्बू फार्मिंग, बांस की खेती कैसे की जाए। वो किसान बंधु इसकी खेती कर सकते हैं जो जलवायु परिवर्तन से परेशान हों, उनकी भूमि बंजर हो चुकी हो या भूमि उपजाऊ ना हो, तो उस अवस्था में आप लोग इस खेती को अपनाकर अपनी इनकम को बनाए रख सकते हैं। तो आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से बम्बू को पेड़ को दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख ही पा रहे होंगे, ये हमारा बम्बू का पेड़ है। तो बता दें, क्योंकि इसकी भूमि के लिए जिस भूमि में ये ग्रो किया जाएगा, तो बताएं कोई विशेष प्रकार की भूमि की आवश्यकता नहीं होती इसकी ग्रो करने के लिए। लेकिन अगर भूमि चिकनी है, दोमट है, तो ये इजीली ग्रो कर जाता है अच्छे से और आराम इजीली अवस्था में अच्छा ग्रो करता है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ता भी। वो बात करते हैं भूमि का पीएच, किस पीएच पे ये कर जाएगा। पीएच 4.5 से लेके 7.5 के बीच में होगा, यानी अम्लीय अवस्था में होगा, तो भी ये अच्छा ग्रो कर जाएगा पेड़, क्योंकि इसकी भूमि कोई विशेष प्रकार की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। तो अब बात करते हैं इसकी हम लोग प्लांटिंग कब करेंगे, कब इसको लगाएं और कैसे इसको लगा सकते हैं। तो इसकी हम लोग कटिंग करके, यानी इसकी डंगाल को काट के हम लगा सकते हैं अपने खेतों पे। और लगाने की बात करते हैं तो इसको हम लोग मार्च अप्रैल या फरवरी मार्च या फिर कहें तो जून जुलाई के समय में इसकी हम लोग प्लांटिंग कर सकते हैं अच्छे से। और बात करते हैं सिंचाई की, क्या सिंचाई की व्यवस्था रहनी चाहिए। अगर पानी की उचित व्यवस्था है तो आप लोग सिंचाई करते रहें 15 दिन के बीच के अंदर। वैसे तो ये पौधों को पानी की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। और आपको बता दें कि ये एक दिन में लगभग 4 से 5 इंच तक डेली ग्रोथ करता है, डेली बढ़वार करता है, और ये सबसे तेज़ बढ़ता है सभी पौधों में। कहा जाता है कि ये पौधा ये सबसे तेज़ बढ़ता है ग्रासों में, क्योंकि ये ग्रास फैमिली से बिलोंग भी करता है, सबसे तेज़ भी बढ़ता है। और बता दें इसकी मार्केट में प्राइस क्या है, एक बांस की कीमत जो कि मार्केट में 100 रुपये तक का बिक जाता है। इसके द्वारा सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है, जो किसान बंधु इसको अपने खेत पे लगाते हैं। और बात करते हैं खरपतवारों की, तो खरपतवारों के लिए आपको क्या करना है, खुरपी के द्वारा या किसी अन्य यंत्र के माध्यम से आप लोग खेत में निराई गुड़ाई कर दें, जिससे खरपतवार नहीं रहेंगे। तो जो फर्टिलाइज़र कंपटीशन होता है ना पौधों और मुख्य फसल और जो खरपतवारों के बीच में होता है, वो नहीं होगा तो हमारी मुख्य फसल को अच्छे से उर्वरक जो आपने प्रोवाइड किए हैं, जो भूमि में उपलब्ध हैं, वो मिलेंगे, तो अच्छे से फसल हमारी ग्रो करेगी। और ये लगभग प्लांटिंग के 5 से 6 साल बाद तैयार हो जाते हैं कटाई के लिए। तो आपको प्लांटिंग 5 साल तक इसकी सेवा करनी है, इसके बाद ये पौधा आपकी इनकम का स्रोत बन जाएगा और आप लोग इसकी हार्वेस्टिंग कर मार्केट में बेच सकते हैं। इसका प्रयोग, क्योंकि लकड़ी है तो बांस या सीढ़ी या अन्य कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार से हम लोग इसकी खेती करेंगे। किसान बंधु, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा, अन्य किसान बंधु के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।